हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इस फोटो को ऑरेंज एंड टील लुक में एडिट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूं मैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं जाऊंगा टेम्परेचर पे, वाइट बैलेंस को ठीक करने के लिए मैं इसे जस्ट ऑटो पे रख दूंगा, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं वाइब्रेंस को प्लस करूंगा, प्लस 57, और सेचुरेशन को -16, देन टिंट को हल्का सा प्लस 8 मैजेंटा की ओर। देन फिर हम जाएंगे लाइट्स पे। इस तरीके से मैं थ्री डॉट पे क्लिक करके शो हिस्टोग्राम को देखूंगा कि किस तरीके का एक्सपोजर है इस फोटो का। तो फिर इसका एक्सपोजर थोड़ा सा मैं इस तरीके से बढ़ाऊंगा, प्लस 17। देन फिर हाइलाइट्स को इस तरीके से मैं इसे -100 कर दूंगा इसके हाइलाइट्स को। और फिर से हल्का सा मैं इसमें जो है हिस्टोग्राम में जाकर इसके एक्सपोजर्स को इस तरीके से बढ़ाऊंगा हिस्टोग्राम में देखकर। इसके बाद जस्ट मैं इसके शेडोज को जो है हल्का सा यहां पर बढ़ाऊंगा, प्लस 12, और वाइट्स को भी इस तरीके से, साथ ही इसमें ब्लैक्स को भी मैं प्लस 6 से 8 तक का अमाउंट में रखूंगा। इसके बाद इसके जो कॉन्ट्रास्ट है उसे -28 करूंगा। देन फिर से हम जाएंगे टेम्परेचर वाले सेक्शन पे, उसके बाद हम जाएंगे मिक्स टूल पे। मिक्स टूल पे जाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ऑरेंज लुक दूंगा, तो इस तरीके से ऑरेंज एंड टील में हम लोग एडिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसमें -10 और -16, देन फिर ल्यूमिनेंस को प्लस 17 कर दूंगा मैं। येलोज को यहाँ पर -100, सेचुरेशन को हल्का डाउन -18, और ल्यूमिनेंस को भी हल्का सा डाउन कर दूंगा -22। देन ग्रीन्स के सेचुरेशन को -100, और यहाँ पर इस तरीके का एक्वा को -100, साथ ही इसके सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और ल्यूमिनेंस को यहाँ पर हल्का सा डार्क करूँगा। इसके बाद हम आएंगे ह्यू पे, ह्यू को -100, और साथ ही यहाँ पर ल्यूमिनेंस, और इसको इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक्वा को इस तरीके से ब्लू की ओर ले जाऊँगा, ब्लू में -100 करूँगा। देन फिर यहाँ पर पर्पल को -100 सेचुरेशन, और मैजेंटा को भी -100 मैंने कर दिया है। इसके बाद हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग पे। ऑरेंज एंड टील लुक में हमें कलर ग्रेडिंग करते टाइम जस्ट इसमें शेडोज को हमें ब्लूज में रखना है इस तरीके से। शेडोज में हमें ब्लूज टोन रखने हैं, साथ ही और मिड टोन्स में ऑरेंज टोन रखना है इस तरीके का। और हाइलाइट्स पे आप इस एक्वा ब्लू को रखेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा इस तरीके से। तो इसे थोड़ा सा इसका अमाउंट कम रखना है आपको, प्लस 14 के अराउंड। देन फिर ग्लोबल में हमें फिर से इस तरीके से हल्का रेड और जो ऑरेंज का जो मिक्स टोन है, इस तरीके का टोन हमें रखना है, तो इसे भी प्लस 19 के अराउंड रखेंगे। उसके बाद हम मैं इसे डन कर दूंगा। जस्ट इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स पे, टेक्सचर को बढ़ा दूंगा, साथ ही क्लैरिटी को प्लस 16 के अराउंड, डीएस को प्लस 4। देन फिर हम जाएंगे डिटेल्स पे, नॉइस रिडक्शन को इस तरीके से बढ़ा दूंगा, कलर नॉइस को हल्का सा अप, और डिटेल एंड स्मूथनेस को भी इस तरीके से अप करने के बाद हम जाएंगे सेलेक्टिव टूल पे। सेलेक्टिव टूल पे जाकर मैं यहाँ पर इस तरीके से रेडियल फिल्टर का यूज़ करूँगा। इसे थोड़ा सा इस तरीके का बनाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर्स और जो सेचुरेशन में, इसमें थोड़ा सा वार्म लुक सेचुरेशन को यहाँ पर प्लस करते हुए, देन फिर जो कलर में है इसके हल्का सा ऑरेंज लुक देने का कोशिश इस तरीके से। इसे माइनस, इसके सेचुरेशन को आपको ज़्यादा नहीं रखना है, प्लस 12 ही रखा है मैंने। देन फिर इसके टेक्सचर को हल्का सा बढ़ा दूंगा मैं, क्लैरिटी को भी, साथ ही साथ इसमें नॉइस और शार्पनेस को भी प्लस कर दूंगा। देन फिर हम जाएंगे फिर से सेलेक्टिव टूल पे, उसके बाद ब्रश टूल्स की मदद से इस तरीके से हमें सब्जेक्ट पे पेंट कर देना है। देन इसके बाद एक्सपोजर्स इसके हल्के से बढ़ाने हैं, प्लस 24 यहाँ पर मैंने बढ़ा रखा है। शेडोज वाइट्स एंड ब्लैक्स को प्लस 3 ले जाना है, साथ ही टेम्परेचर को प्लस 8 और सेचुरेशन को भी प्लस 6। आप हल्का हल्का बढ़ा सकते हैं इसमें टेम्परेचर और सेचुरेशन को, इसके साथ ही अगर आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं इस तरीके से। देन फिर जो उसके टेक्सचर है उसको आप बढ़ा सकते हैं, हल्का सा क्लैरिटी आप दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट पे। देन फिर शार्पनेस और नॉइस, इस तरीके से इन दोनों को मैं बढ़ा दूंगा। इसके बाद
राइट क्लिक करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा रेडियल फिल्टर पे, ग्रेडियंट मैप लूँगा। ग्रेडियंट मैप लेने के बाद इस तरीके से मैं इसके एक्सपोजर्स को डाउन करूँगा, साथ ही यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को भी माइनस, शेडोज वाइट्स एंड ब्लैक्स को भी यहाँ पर हल्का हल्का माइनस कर दूँगा। देन फिर यहाँ पर सेचुरेशन को -6 और टेम्परेचर को -4 करने के बाद इसके जो टेक्सचर है यहाँ पर इसके हल्का सा ब्लरी इफेक्ट के लिए मैं -53 को लाऊंगा। इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं और इससे कम भी आप रख सकते हैं अपने इमेज के हिसाब से। देन फिर नॉइस और हल्का सा शार्पनेस, देन फिर मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। इसके बाद जस्ट हम जाएंगे अपने कर्व टूल पे, कर्व टूल पे जाने के बाद यहाँ पर मैं शेडोज़ पे इस तरीके से लॉक लगाते हुए शेडोज़, मिड टोन्स और हाईलाइट्स पे, हाईलाइट्स को हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करने के बाद यहाँ से ब्लैक से हल्का सा उठाना है। देन फिर मिड टोन्स को आप हल्का सा यहाँ पर बढ़ा सकते हो और हाईलाइट्स को भी आप यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से बढ़ा सकते हो। साथ ही मैं अपने जो रेड्स है उसमें हल्का सा यहाँ पर ब्लू स्टोन चाह रहा था तो इसे हल्का सा थोड़ा सा नीचे की ओर रखा है। देन फिर जो ब्लूज पे जाने के बाद ये जो येल्लोज है इसे हल्का सा यहाँ पर मैंने डाउन किया और इस तरीके से नीचे से इसे ऐसे उठाया ब्लूज को। हल्का हल्का आपको करना है अमाउंट, हल्के हल्के अमाउंट पे, ओवर नहीं लगना चाहिए इस तरीके से। तो इसके बाद इस तरीके से करने के बाद आप इसमें रेड्स पे जाकर इसके हाईलाइट्स को इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं, इससे क्या है थोड़ा सा ऑरेंज एंड टील लुक लगे। इसके मिड टोन्स को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं ताकि मिड टोन्स में रेड्स ना आ जाए ज़्यादा। देन फिर मैं यहाँ पर डन करता हूँ। सो इसके बाद हम जाएंगे शार्पनिंग पे, मैं इस तरीके से इमेज को शार्प करूँगा तो 66 बढ़ाऊँगा और साथ ही मास्किंग को भी ऑन कर दूँगा, जिससे क्या है स्पेसिफिक एरिया में जिस एरिया तक मैं चाहता हूँ वहीं तक जो है शार्प हो इमेज। हल्का सा इसमें थोड़ा सा और नॉइस को बढ़ाने के बाद इस तरीके से मास्किंग को थोड़ा यहाँ पर मैं कम करना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छा तरीके से शार्प हो गया इमेज। तो इसके बाद हमारी इस फोटो की एडिटिंग हो गई है, तो आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। ये बिफोर है, ये आफ्टर है ऑरेंज एंड टील लुक में, बिफोर एंड आफ्टर। तो आप भी अपनी फ़ोटो को इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे हमारी एक भी वीडियोस मिस ना हो सके। तो फिर मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।